Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है रविवार यानी कि संडे एंड ये व्लॉग मंगलवार का है क्योंकि मंगलवार की हमारी रिटर्न टिकट थी जयपुर से कोलकाता के लिए. सो दर्शन करके जब हम रात को वापस आए थे तो मेरा ही मन था कुल्लड़ वाला जो दूध होता है ना, तो मैंने ही मनीषा को बोला था. तो फिर जिस जिस को पीना था सभी के लिए आया था और पी के फिर हम सो गए थे. फिर सुबह उठ के नाश्ता वगैरह किया, ब्रेड का हलवा बनाया था लल्लन ने, बहुत टेस्टी बनाया था. उसके बाद नहा ली थी और अब मैं आपसे मिल रही हूँ दोपहर के टाइम पर. तो ये हमारा लंच था, घी की रोटी थी गर्मा गर्म, मिक्स वेजिटेबल्स की सब्जी थी, लौकी की सब्जी थी और मूंग की दाल थी और चावल था. तो बस ये लंच करने के बाद में हम लोगों को निकलना था एयरपोर्ट के लिए क्योंकि 3:30 के करीब दोपहर को हम निकल गए थे और तकरीबन 6:10 की हमारी फ़्लाइट थी. तो हम लोग यहाँ घर से निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए और तकरीबन 45-50 इस तरीके से एयरपोर्ट पहुँचने में लग गया था. तो बस इतना टाइम पहले तो निकलना ही चाहिए तो तभी थोड़ा सेफ़ रहता है, अदरवाइज़ फिर फ़्लाइट छूट जाती है. और यहाँ नेहा की मस्ती चालू थी आपने देखा, तो बस थोड़ा ही टाइम था हम लोगों के पास, उसके बाद हम लोगों को निकलना था एयरपोर्ट. तो अपनी पोती को, अपनी राजकुमारी को थोड़ा सा प्यार कर लिया था और उसके बाद में फिर बस यहाँ पर ये मुकेश भैया सामान लेके नीचे उतर रहे हैं, ड्राइवर हैं उनके. और लल्लन ने भी सामान उतार दिया था क्योंकि आए तो थे तो सामान थोड़ा कम था, फिर शॉपिंग वगैरह करके थोड़ा बढ़ गया. और यहाँ भगवान को प्रणाम करके सीधे हम उतर गए हैं नीचे क्योंकि सामान नीचे उतारना हो गया था. और यहाँ ये अपनी पोती को खिला रही हैं, अब पर दादी बोल लीजिए, पर नानी बोल लीजिए, वैसे तो पर नानी बन गई हैं. और यहाँ इन्होंने तिलक कर दिया था हमारी समधिन जी ने. और बस सबसे फिर खुशी खुशी विदा लेके और उसके बाद में निकल गए. बहुत अच्छा लगा, 3-4 कैसे निकल गए, हंसते खेलते बोलते और घूमते फिरते पता ही नहीं चला. सो बस चल दिए हैं जयपुर से अब अपने कोलकाता के लिए. और 3-4 रहे मगर बहुत बहुत अच्छा लगा सबके साथ में. और यहाँ पे बस अपने संधि जी को भी नमस्ते कर लिया है हमने और अब निकल रहे हैं. गाड़ी खड़ी हुई है बाहर में. और उसके बाद में मैं जब बाहर गई तो जो दौड़ के आ रहा था और नीलू ने उसको गोद में ले लिया और आराम से उसको झूला झूला रहा था, तो वो सीन मुझे बड़ा अच्छा लगा इसलिए मैंने शूट किया. गाड़ी में जाएगा चलें. और यहाँ तकरीबन 40-45 के करीब उसके बाद हम यहाँ पहुँच गए थे जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट. और उसके बाद में यही है कि कोई छोड़ने भी आता है एयरपोर्ट तो 2 भी तो खड़े नहीं होने देते, भले ही एयरपोर्ट के बाहर ही खड़े होके मिल रहे होते हैं बट खड़े नहीं होने देते हैं. तो बस साथ के साथ ही फिर नीलू ने जाके एक ट्रॉली को लिया है और उसी में फिर सामान वगैरह भी रखना हुआ है. और फिर उसके बाद बस वो निकल गया था क्योंकि खड़े तो रहने देते हैं नहीं. तो बस मिल लिए थे अपने बच्चे से एयरपोर्ट पर ही और अब जब ये लोग आएंगे कोलकाता तभी मिलना होगा. वही है जो अभी मैं बोल रही थी कि आजकल वीडियो कॉलिंग की सुविधा तो है ही, तो हर थोड़े थोड़े दिन में बात तो हो ही जाती है, फ़ोन पर भी हो जाती है, वीडियो कॉल में भी हो जाती है. तो वही है, और जब रहते हैं यहाँ पे तो कभी कभी आना जाना भी लगा ही रहता है. तो बस मिल लिए अपने बच्चे से और फिर नीलू घर के लिए निकल गया था और हम लोगों ने फिर एंटर किया है एयरपोर्ट में. और ये जयपुर का जो एयरपोर्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है बट सही है, लेकिन हमारे कोलकाता का एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है. इसी तरीके से मैं बेंगलोर गई थी तो वहाँ का एयरपोर्ट तो देखने दिखाने लायक है. बोर्डिंग स्टार्ट हो गई. सो बस मैं और मम्मी चले गए थे वॉशरूम क्योंकि फ़्लाइट के वॉशरूम में ना हम लोग बिल्कुल जाना पसंद नहीं करते हैं, कुछ अजीब ही होता है वो.
और बस यहाँ पे जैसे ही रिटर्न आए हैं वॉशरूम से तो देखा कि यहाँ बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, और 5:25 या 20 मिनट ऐसे हो रहे थे जब बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी, बट फ्लाइट टाइम से टेक ऑफ नहीं हुई थी। हम लोगों की टिकट्स थी 6:10 की शाम की, और टेक ऑफ हुआ है 6:35 या 40 मिनट कुछ इस तरीके से हो रहे थे। तो फाइनली बस एयर बस से यहाँ पे उतरे हैं और फ्लाइट में जाके बैठ गए आराम से। और पहले भी मैंने एक बार आपको बता रखा है कि हमारी फ़्लाइट छूट गई थी। मैं, मम्मी और आंचल पुणे जाने के लिए निकले थे और 1.5 घंटा पहले हम एयरपोर्ट पे आ भी गए थे। पता नहीं उस दिन क्या दिन था, क्या मतलब कुछ स्पेशल था कि इतना ज़्यादा रश था एयरपोर्ट में कि सिक्योरिटी चेकअप वगैरह के चक्कर में हमारी फ़्लाइट छूट गई। तब से हमारी मम्मी है ना एकदम बोलती हैं कि 2 से 3 घंटे आप पहले पहुंच जाओ एयरपोर्ट, मगर पहुंच जाओ, एटलीस्ट कम से कम फ़्लाइट तो नहीं छूटेगी। तो इसलिए अब हम लोग जल्दी ही निकल जाते हैं, बट वो सेफ़ भी रहता है कहीं ना कहीं। सो चलिए, इट्स टाइम टू टेक ऑफ नाउ। फाइनली 2:10 कुछ ऐसे हम लैंड हो गए थे, और उसके बाद में फिर गाड़ी आ गई थी, बट सामान लगेज में दिया हुआ था और इतनी देर में सामान आया है हमारा। वही है कि कम से कम 25 मिनट आधा घंटा खड़े रहे हम, उसके बाद में फिर गाड़ी आ गई थी और यहाँ सामान लगा दिया है और फिर बस अपने अपने घर पहुँच गए। सो जयपुर की जो जर्नी थी हमारी, कोलकाता टू जयपुर एंड जयपुर टू कोलकाता, तो यहाँ हो जाती है कम्प्लीट। और पहुंच गए अपने कोलकाता, आमादेर कोलकाता। तो बस अब आएगा आपके पास एक और रेगुलर व्लॉग मेरा, मेरे घर से, और उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा जगन्नाथ पुरी जी जा रहे हैं हम, और वहां से फिर बहू के पास जाएंगे, बहू बेटे के पास में, वहां भी हमारी पोती हुई है भाई, तो वहां भी मज़ा करेंगे खूब। और यहाँ आई हूँ तो ये तो पागल हो गया था बिल्कुल, वो वाला सीन शूट नहीं कर पाई मैं। और बस आके सबसे पहले हाथ मुंह धो के भगवान को प्रणाम किया है, और उसके बाद में कहीं सूटकेस वगैरह सोच रही थी कि खोल के सूटकेस और लगा दूँ, अनपैक कर दूँ। सो कुछ तो थकान भी थी और इसके साथ थोड़ा खेलते खेलते टाइम भी मेरा निकल गया। उसके बाद में जो इम्पॉर्टेंट सामान था, जैसे जितनी भी जगह हम गए तो वहाँ का प्रसाद भी था, तो वो मैंने निकाल के रखा है। और बस जो थोड़ा ज़रूरी सामान था, जैसे मेरा मेडिसिन है और मेकअप वगैरह है, तो वो मैंने अनपैक कर दिया था। और सूटकेस काफ़ी भरा हुआ था तो सोचा मैंने कि बाद में करूँगी सूटकेस, क्योंकि थोड़ा टाइम तो लग ही जाना था। और थकान हो जाती है ना तो फिर ऐसे लगता है कि बस कपड़े चेंज करो और खाना पीना खाओ और आराम से सो जाओ, तो ऐसा ही लग रहा था मुझे। और एस्ट्रो के रहते हुए सूटकेस को खोल के अनपैक करना मतलब बहुत डेंजर वाली बात है, क्योंकि ये सारा सामान ले लेके भागता है और इसके पीछे भागते भागते, तो वैसे ही अनपैक मुझे करना भी नहीं था, इसीलिए मैंने उठा के रख दिया कि सो जाएगा तब देखूंगी, नहीं तो सुबह करूंगी अनपैक। तो बस जयपुर की जर्नी यहाँ हो जाती है कम्प्लीट, पहुँच गई अपने घर कोलकाता। तो चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। फिलहाल सारा प्रसाद सब कुछ निकाल के रख दिया है, मीठा निकाल के रखा है। जा रही हूँ नाइटी चेंज करूंगी, अभी फिलहाल अनपैक नहीं कर रही हूँ, रात के 10:25 हो रहे हैं, पहले चेंज कर लूँ, थोड़ा खाना वगैरह खा लूँ, फिर देखती हूँ अगर करूंगी अनपैक तो ठीक है, नहीं तो कल सुबह करूंगी। थकान हो गई है ट्रेवलिंग कर कर के, ये 2-4 दिन में अच्छी खासी ट्रेवलिंग हुई है हम लोगों की। फाइनली कोलकाता आ गए,
फिर कल से वही डेली रूटीन और फिर 2-3 दिन के बाद में फिर ट्रेवल। जा रही हूँ, चेंज करूंगी खाना खाके, सोऊंगी।